नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जिसे हम लोग नैटो SA-21 ग्रोलर भी कहते हैं, और ये हम रशिया से इम्पोर्ट करवाने वाले हैं जल्द से जल्द। गवर्नमेंट इसकी डिमांड कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है जब हमारे पास आकाश और बराक 8 जैसा एडवांस मिसाइल सिस्टम्स हैं जो किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स को ध्वस्त कर सकता है हवा में, तो हमको क्या ज़रूरत है S-400 लेने की। तो इस वीडियो में हम इस पूरे इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है। सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है वो मैनुअली हम लोग इम्पोर्ट करते हैं किसी मिसाइल को। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पार्टनर को गेंद फेंकते हैं तो आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल फिक्स करते हैं कि वो कितने उसको डिस्टेंस पे फेंकना है जिससे कि वो अपने आप फ्री फॉल होकर आपके पार्टनर के पास जाके गिरे और उसको कैच कर ले। तो उसी तरह बैलिस्टिक मिसाइल भी टोटली मैनुअल होता है। हम लोग एक अपना सब कैलकुलेशन वगैरह करते हैं प्रॉपर मैथ्स का कि इसमें इतने डिस्टेंस पे हमको फेंकना है तो वहाँ जाके टारगेट पे जाके गिरेगा। लेकिन क्रूज मिसाइल क्या होता है, वो ऑटोमेटेड होता है। अगर वो उसका डिस्टेंस अपने आप इधर उधर अगर होता भी है जो टारगेट से इधर उधर, तो वो ऑटोमेटिकली अपने दिमाग से कंट्रोल कर लेता है उसको कि भाई उसको कहाँ पे जाके गिरना है। वो अपने आप उस पाथ को वहाँ तक पहुँच जाता है। यहाँ पे हमको बस उसको टारगेट को सेट कर देना होता है, तो बाकी ऑटोमेटिकली वो कर लेता है। और ऊपर नीचे अगर हो भी गया तो वो अपने आप को वो एडजस्ट कर लेता है। तो ये होता है क्रूज मिसाइल, ये एडवांस सिस्टम्स हैं मिसाइल्स के। अब बात करते हैं, हमारे पास है आकाश और बराक 8 जैसे मिसाइल्स, तो हमको क्यों ज़रूरत है S-400 की। दोस्तों ये तो है इम्पोर्टेंट, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ये जो हमारा डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि अभी फुली प्रिपेयर्ड नहीं है, और सेकेंड ड्रॉबैक है कि ये 100 किलोमीटर के रेंज के अंदर है, और थर्ड ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स को ध्वस्त कर सकता है हवा में, क्रूज मिसाइल्स को नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों अब हीरो की एंट्री होती है S-400 मिसाइल सिस्टम के रूप में। S-400 का खासियत क्या है दोस्तों, कि ये बैलिस्टिक, क्रूज, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट सिस्टम, सब तरह की चीज़ों को ध्वस्त कर सकता है। और ये जो पाकिस्तान हमारा बच्चा है ना, जो खेलता है बार बार बोलता है कि हम न्यूक्लियर बम गिरा देंगे इंडिया पे, ये कर देंगे, तो उसको भी हवा में ध्वस्त कर सकता है। उनके सपने के साथ, उनके न्यूक्लियर बम के साथ सब खत्म हो जाएगा। S-400 के फीचर्स की बात करते हैं तो S-400 600 किलोमीटर का रडार रेंज रखता है, उसके बाद 300 का एरियल टारगेट रखता है कि मतलब 300 किलोमीटर के रेंज में अगर वो आ गया तो गया दुश्मन के सपने के साथ। 400 किलोमीटर का एरियल टारगेट ट्रैक रखता है, वो कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी दूरी पर आया वो पूरा ट्रैकिंग रखेगा उसका। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हम लोग चाइना में बैठे हुए हैं टारगेट अपना लेके मिसाइल वगैरह, और हमारा पाकिस्तान से हमला हो गया तो फटाफट इसको एक ट्रक में हम लोग लाद के पाकिस्तान पे हम लोग आके अटैक कर सकते हैं। तो ये इजीली डिप्लॉयबल है फ्रॉम वन प्लेस टू अंडर। अब बात करते हैं इसकी स्पीड की, तो इसका 17,000 किलोमीटर पर प्रति घंटे की स्पीड से आता है, यानी 4.8 किलोमीटर पर सेकेंड। मीन्स मैं दिल्ली से अगर मुझे गोरखपुर आना है मिसाइल पर मैं बैठ गया तो 5 मिनट के अंदर अंदर पहुँच जाऊँगा दिल्ली से गोरखपुर। ये अलग बात है, फिर उसके बाद ना मैं रहूँगा ना मेरा घर रहेगा, और पड़ोसी तुम तो खुश ना हो, तुम भी नहीं बचोगे। तो दोस्तों आपने देखा कितना इम्पोर्टेंट है हमारा S-400, जो कि किसी भी तरह के न्यूक्लियर वेपन्स को क्रैक कर सकता है। हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चार तरह का होता है S-400। अरे यार कुत्ता भौंक दिया, सॉरी दोस्तों फॉर द नॉइज, पर वी कैन कंटिन्यू। चार तरह का चार टाइप्स के होते हैं S-400। पहला होता है 40N6, जो आपका 400 किलोमीटर का रेंज रखता है रडार रेंज। दूसरा होता है 48N6, जो कि 240 किलोमीटर का रेंज रखता है। तीसरा जो होता है वो आपका होता है 9ME2, जो कि 100 किलोमीटर का रेंज रखता है। और चौथा है 9ME, जो आपका 40 किलोमीटर का रेंज रखता है रडार रेंज। तो ये चार तरह का होता है, इजिली डिप्लॉयबल होता है। एक ट्रक पे चारों को हम माउंट करके एक जगह से दूसरी जगह हम लोग डाल सकते हैं। तो ये ओवरऑल बहुत ही बढ़िया एडवांस सिस्टम है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।